नोएडा की थाना सेक्टर 63 पुलिस ने मुद्रा फाइनेंस के नाम से फर्जी कॉल सेंटर खोलकर लोन दिलाने के नाम पर फ्रॉड करने वाले एक गैंग का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने सरगना समेत गैंग के 9 लोगों को हिरासत में लिया। पकड़े गए आरोपियों में से 7 लोग तेलंगाना के रहने वाले बताए जा रहे हैं। आरोपियों से 2 लैपटॉप, 16 स्मार्टफोन्स, 8 कीपैड फोन, 16 कॉपियां, 1 पेन और ठगी कर कमाए गए 5,26,000 रुपए बरामद हुए हैं। पुलिस का दावा है कि पकड़े गए आरोपी लोन दिलाने के नाम पर सैकड़ों लोगों से लाखों रुपए की ठगी कर चुके हैं, जबकि सैकड़ों लोग इनकी रडार पर थे। प्रकरण इस प्रकार से है कि 30 मई को एक महिला के द्वारा बताया गया कि उसके एक परिचित व्यक्ति के साथ एक अपरिचित व्यक्ति आए और उनके द्वारा बताया गया कि उनकी पत्नी की तबीयत ख़राब है, अपना अकाउंट नंबर दे दिए, उसमें कुछ धनराशि मंगानी है। उस महिला ने विश्वास करके अपना अकाउंट नंबर उनको दे दिया। वह अकाउंट नंबर जब उन्होंने अगले दिन देखा तो वो फ्रीज हो गया था। जब बैंक में पता कराया तो पता चला है कुछ साइबर फ्रॉड के कारण उनका खाता सीज किया है, फ्रीज किया गया है। इस तथ्य की जानकारी होने पर उनके द्वारा साइबर हेल्प डेस्क थाना 63 आकर के सूचना दी गई। तत्काल यहाँ की टीम सक्रिय हुई तो फिर ये एक रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है, जिसमें शिव कुमार वर्मा सहित कुल 9 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। तो गैंग के 9 सदस्यों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।